गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपको इंग्लिश में चैप्टर 19 समझाऊंगी। तो चैप्टर 19 में आज हम वी एंड दे का यूज़ करना सीखेंगे। ओके, तो अब आप इंग्लिश की बुक ओपन करो और उसमें चैप्टर नंबर 19 निकालिए। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 19। ओके, अब देखो चैप्टर नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, यूज़ ऑफ वी एंड दे। अब वी के साथ किसका यूज़ किया गया है, आर का यूज़ किया गया है, और दे के साथ किसका यूज़ किया है, देयर का यूज़ किया हुआ है। मतलब वी मीन्स क्या होता है, हम, और दे मीन्स क्या होता है, वे। अब वी के साथ हम आर की हेल्प, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वही हम दे के साथ भी आर के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। क्यों, वी और जो दे है ये हमारे प्लूरल होते हैं, तो इन दोनों के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन वी, अगर हम वी का यूज़ कर रहे हैं, मतलब वी आर का यूज़ कर रहे हैं, तो हिंदी होगी हमारी हम हैं। अगर हमने हम हैं का यूज़ किया है, तो वहाँ पर हम अपने बारे में बताने के लिए, कोई भी चीज़ बताने के लिए जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। और आर की हिंदी होती है हमारी, हमारे। ओके, ये होती है। अब दे मीन्स क्या होता है, दे आर मीन्स होता है वे हैं। अगर हमने दे आर का यूज़ किया है, तो वहाँ पे हम दे का यूज़ कब करते हैं, जब हम दूसरों के बारे में कोई भी चीज़ बताते हैं या उस बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम दे का यूज़ करते हैं। और अगर हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, दे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी चीज़ों की बात करने के लिए हम देयर का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए, और देयर की हिंदी होती है उनका, उनकी, उनके। जिस तरह आर की हिंदी होती है हमारा, हमारी, हमारे, उसी तरह देयर की हिंदी होती है उनका, उनकी, उनके। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, हमें इन पिक्चर्स के थ्रू ये इन सेंटेंस को समझना है। ओके, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, दे आर मंकीज। अब दे आर की हिंदी क्या होती है, वे हैं। ओके, अब दे आर का यूज़ किया है हमने, तो इसका मतलब दे आर हमारा प्लूरल है ना, दे कौन है, प्लूरल। ओके, तो वहाँ पर जो वर्ड है मंकी जो है वो हमारा प्लूरल में लिखा जाएगा, मतलब मंकी ना होकर हम इसको मंकीज कर देंगे। ओके, तो क्या हुआ सेंटेंस हमारा, दे आर मंकीज। अब हिंदी क्या होगी इसकी, दे आर मीन्स होता है वे हैं, और मंकीज मीन्स होता है बंदर। ओके, क्यों, अब यहाँ पे मंकीज मीन्स तो बंदरों होगा, लेकिन हम यहाँ पे बंदर क्यों कहा है, क्योंकि हमारा जो बंदर है वो सिंगुलर में भी यूज हो जाता है और प्लूरल में भी यूज हो जाता है। ओके, कर लेते हैं। अब ये क्या है नेक्स्ट हमारा, देयर टेल्स आर लॉन्ग। अब देखिए हमने यहाँ पर दे आर का यूज किया था, है ना, तो देखिए दे आर मतलब हमने किसके बारे में बात की, मंकीज के बारे में बात की, है ना। तो अगर हम मंकीज के बारे में किसी भी चीज़ को लेकर बात करेंगे, तो वहाँ पर दे के साथ क्या यूज़ करेंगे, पजेसिव के लिए देयर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इनके बारे में बात करेंगे अब। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर टेल्स आर लॉन्ग। अब देयर की हिंदी क्या बताई थी मैंने, उनका, उनकी, उनके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनकी पूंछ लंबी हैं, उनकी पूंछ लंबी हैं। अब पूंछ किसकी लंबी है, मंकीज की, है ना, तो किसके बारे में बात की जा रही है, मंकी के बारे में, मतलब मंकी के बारे में बात की जा रही है, जो ये मंकीज नजर आ रहे हैं इनके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए हमने दे का यूज़ किया, तो दे के साथ हमने उनके में बारे बात, उनके बारे में बात करने के लिए किसका यूज़ किया, देयर का यूज़ किया। तो अब आपको समझ में आ गया, दे क्लियर हो गया कि दे अगर हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम पजेसिव के लिए क्या यूज़ करेंगे, देयर का यूज़ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ये वी आर स्टूडेंट्स। वी आर की हिंदी होती है हम हैं, स्टूडेंट्स मीन्स क्या होता है, विद्यार्थी, है ना। अब देखिए तो हिंदी क्या होगी, हम विद्यार्थी हैं। क्यों, क्योंकि देखो वी आर जो है, वी हमारा प्लूरल होता है, तो हमने
जो ये स्टूडेंट का जो वर्ड है हमने इस मेवी के लास्ट में क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो जब भी हम वी आर का यूज़ करते हैं तो हम लास्ट जो वर्ड आता है हमारे यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है हम उसमें एस लगा देंगे। तो देखिए एस लगा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो क्या बना सेंटेंस, वी आर स्टूडेंट्स, हिंदी होगी हम हैं विद्यार्थी। अब देखो, अब यहाँ पे भी हम विद्यार्थियों नहीं कर सकते ना, क्यों, हमारा सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। हम विद्यार्थियों हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं ना, हाँ, क्यों, क्योंकि विद्यार्थी जो शब्द है वो हमारा सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी, ओके। अब देखिए हमने यहाँ पर वी का यूज किया है, तो देखिए अब हम वहाँ पर पजेसिव के लिए क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। आर टीचर इज नाइस, आर की हिंदी क्या बताई थी मैंने आपको अभी, हमारा, हमारी, हमारे। तो यहाँ पर क्या होगी, हमारे टीचर मतलब अध्यापक इज नाइस, हमारे अध्यापक अच्छे हैं। क्यों, अब बताओ आर हमने क्यों यूज किया यहाँ पर, इसलिए किया जब भी हम वी का यूज करते हैं तो वहां पर हम पजेसिव के लिए आर का यूज करते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो आर है उसकी स्पेलिंग है ए आर ई आर, अब यहाँ पे जो आर है उसकी स्पेलिंग है ओ यू आर आर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप लिखेंगे तो स्पेलिंग पर आपका ध्यान होना चाहिए कि आपको कौन सा आर लिखना है, ए आर ई आर वाला लिखना है या ओ यू आर वाला आर लिखना है, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट देख लेते हैं क्या है। अब इसे देखिए, इस सेंटेंस को, दे आर माई पेरेंट्स, जो ये बॉय है ये बात कर रहा है किसके बारे में बता रहा है, ये अपने मम्मी पापा के बारे में बता रहा है, मतलब वे, वो कह रहा है वे मेरे माता पिता हैं, वो ये कह रहा है, ये लड़का कह रहा है वे मेरे माता पिता हैं। तो देखिए इसने क्या यूज किया यहाँ पे, दे का यूज किया, तो दे आर माई पेरेंट्स, तो हिंदी क्या होगी, दे आर मीन्स वे हैं, माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे, और पेरेंट्स मतलब माता पिता, तो हिंदी क्या बनेगी, वे हैं मेरे माता पिता, है ना। अब इसने यहाँ पर दे का यूज किया है तो पजेसिव के लिए ये क्या यूज करेगा यहाँ पर, बताओ जल्दी से, देयर का यूज करेगा, किसका यूज करेगा ये बॉय, देयर का यूज करेगा। अब कैसे देखते हैं, आई एम मतलब मैं हूँ, देयर मतलब उनका, उनकी, उनके, ओके। अब सन मिस बेटा, तो क्या हुआ, मैं हूँ उनका बेटा। अब देखो इसने दे का यूज किया था तभी तो इसने दे के साथ देयर का यूज किया है, जब भी हम दे का यूज करते हैं तो वहां पर हम पजेसिव के लिए देयर का यूज करते हैं, ओके। तो क्या हुआ, मैं हूँ उनका बेटा, ओके। अब नेक्स्ट देखो, वी आर फ्रेंड्स, ये दोनों कह रहे हैं हम मित्र हैं, मतलब वी आर हम हैं मित्र, ओके। अब ये मित्र हैं, अब ये देखो क्या बात कह रहे हैं, वी लव, हम प्यार करते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे से, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्यों, दोस्तों में तो प्यार होता है ना, कैसे, क्यों, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो उसको दे देगा, मतलब इसके पास पेंसिल नहीं होगी तो ये इसको पेंसिल दे देगा, अगर इसके पास इरेजर नहीं होगी तो ये इसको इरेजर दे देगा, अगर इसके पास वाटर नहीं हुआ, मतलब ये बोतल नहीं लेकर आया तो इसको पानी पीना होगा, तो ये अपने कैप में पानी पिला सकता है ना इसको ऊपर से, है ना। तो दोस्तों में तो शेयरिंग चलती है, राइट, इसलिए ये कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ओके। अब चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, दे आर माई नेबर्स, दे आर माई नेबर्स, अब दे आर मतलब वे हैं, माई मतलब मेरा, मेरी, मेरे, नेबर्स मतलब पड़ोसी, वे हैं मेरे पड़ोसी। अब देखो इन्होंने दे का यूज किया है तो दे के साथ अब पजेसिव के लिए क्या यूज करेंगे, बताओ जल्दी से,
देयर का यूज करेंगे। क्यों? जब भी हम दे का यूज करते हैं तो हम उनके बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में जब भी बात करेंगे, है ना, तो वहाँ पर हम देयर का यूज करते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस में क्या है। ये क्या है? दिस इज देयर कार। दिस इज मतलब यह है, देयर मतलब उनका, उनकी, उनके। अब कार मिस कार, तो सेंटेंस क्या बना? यह है उनकी कार, है ना। अब इसने पड़ोसी के बारे में, इस बॉय ने इस पड़ोसी के बारे में बात की थी, और ये पड़ोसी की चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, तो इसने क्या यूज़ किया वहाँ पर? दे के साथ देयर का यूज़ किया। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, वी आर ब्रदर्स। क्या लिखा है? वी आर ब्रदर्स। वी आर मतलब हम हैं, ब्रदर्स मतलब भाई, हम हैं भाई। ओके, अब ये दोनों तो भाई हैं। अब ये बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। दिस इज आर हाउस। दिस इज मतलब यह है, आर मतलब हमारा, हमारी, हमारे। अ हाउस मतलब घर। तो सेंटेंस क्या बना? यह है हमारा घर। क्यों? ये अपने बारे में बता रहे हैं ना कि हम भाई हैं और यह हमारा घर है। तो इन्होंने वी के साथ किसका यूज किया? आर का यूज किया। क्यों? जब भी हम वी का यूज करते हैं तो वहां पर हम अपनी चीजों के बारे में बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए वहां पर हम आर का यूज करते हैं। ओके, अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, आपको ये चैप्टर नंबर 19 समझ में आ गया। तो चलिए अब आप इसी तरह से इसको रीडिंग करो, क्योंकि आज आपको रीडिंग करना है, आपको रिटन वर्क नहीं दिया गया है। ओके, तो चलिए अब इसको रीड करो और प्रैक्टिस करो कि वी का यूज कब किया जाता है और दे का यूज कब किया जाता है, वी के साथ पजेसिव के लिए क्या यूज करते हैं और दे के साथ पजेसिव के लिए क्या यूज करते हैं। ओके, तो चलिए बार बार इन सेंटेंस को रीड करो और समझो जिस तरह से मैंने समझाया है।